हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गए हैं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था इररेगुलर ड्राइंग्स पे, ठीक है। नाउ आज इस क्लास के अंदर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स पे। अब रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के गैप में जब पार्टनर कुछ पैसा ड्रॉ करता है। अब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है कहाँ से कर रहा है? अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से ही विड्रॉ कर रहा है, मीन्स ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नाम से आपको कई बार मिलेगा वर्ड, ठीक है। तो अगर उसने अपने ही कैपिटल में से पैसा विड्रॉ किया है तो वो उसके अपना हेडेक है, उसकी खुद की कैपिटल कम हो गई। उस पर फर्म कोई आईओडी चार्ज नहीं करती। आईओडी किस पे चार्ज करती है? जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है और उसमें से विड्रॉ भी कर रहा है, ठीक है। तो वहीं पे हमेशा आईओडी कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली बोल दिया जाएगा कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस पे आईओडी कैलकुलेट करना है। सिंपली इस तरह से आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी। तो आपको किस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई होगा। ज्यादा सिल्वर लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है ड्रॉइंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा जब भी एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे हर महीने या हर क्वार्टर में या एक ड्यूरेशन तक वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक सेम टाइम ड्यूरेशन के गैप पे पैसा विड्रॉ करता है तो उस केस में हम आईओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। अब अगर जब हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल हमारे पास थ्री टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि मंथली बेसिस, दूसरा क्वार्टरली बेसिस। अब क्वार्टरली बेसिस मतलब हर थ्री मंथ्स के बाद, फोर क्वार्टर्स होते हैं ना, तो फोर क्वार्टर्स में हर थ्री मंथ्स के बाद वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास मंथली बेसिस में अगेन कैलकुलेशन आ जाती है कि मंथली बेसिस में कर तो रहा है, कब तक कर रहा है? फॉर फुल ईयर, पूरे साल के लिए कर रहा है, ठीक है। फुल ईयर मतलब 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहा है या सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कर रहा है? सिर्फ 6 मंथ तक, मतलब हर महीने वो पैसा विड्रॉ तो कर रहा है लेकिन सिर्फ 6 मंथ तक कर रहा है, ठीक है। तो अगेन हमारी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। डन। अब यहाँ पे हमारे पास आईओडी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड क्या है? रेट तो समझ आ गया है ना, रेट जो भी हमें दिया गया है। सपोज हम यहाँ पे 5% का अमाउंट लेके चलते हैं, 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तो वो हमारा रेट हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज टोटल ड्रॉइंग्स क्या होती है? अब टोटल ड्रॉइंग्स, सपोज एक पार्टनर ने 10,000 पर मंथ वहां पे विड्रॉ किया है रेगुलर बेसिस पे, तो अब यहाँ पे हमें कोई पीरियड नहीं दिया, हम 12 मंथ का मान के चलेंगे, मतलब उसने पूरे 12 महीने तक हर महीने 10,000 रुपीज निकाले हैं। इसका मतलब है पूरे साल के अंदर उसने 1,20,000 रुपीज निकाल लिए हैं, है ना। तो वो 1,20,000 रुपीज हमारी टोटल ड्रॉइंग बोली जाएगी। और फॉर्मूले के अंदर बेटा हम टोटल ड्रॉइंग यूज करते हैं, हम 10,000 नहीं लेंगे, 1,20,000 लेंगे। अगर वही 10,000 रुपीज उसने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए निकाले होते तो 6 मंथ के लिए 10,000 इंटू 60 रख देते हैं, यहाँ पे 60,000 रख देते हैं। कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ड्रॉइंग की जगह पे वो अपनी नॉर्मल ड्रॉइंग जो क्वेश्चन में दी हुई है 10,000 पर मंथ निकाले वो सीधे 10,000 रख देते हैं। 10,000 नहीं रखना, 10,000 कितने मंथ तक निकाले उसका टोटल निकालो भाई, टोटल निकालोगे वो टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। डन। अब रेट हो गया हमारा, देन एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड क्या होता है? जब फुल ईयर के लिए कैलकुलेशन हो रही है आईओडी की तो एवरेज पीरियड क्या होगा? जब सिर्फ 6 मंथ के लिए आईओडी कैलकुलेट करना है या 6 मंथ के लिए ही रेगुलर ड्रॉइंग हुई है तो आईओडी क्या होगा, एवरेज पीरियड क्या होगा? एंड अगर हम क्वार्टर बेसिस पे पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए एवरेज पीरियड क्या होगा?
आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली जो एवरेज पीरियड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड ही फॉलो कर रहे हैं और आपको यही करना है अपने 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो एवरेज पीरियड मेथड के अंदर आज इस क्लास के अंदर हम फुल ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर उससे हम आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेगुलर ड्रॉइंग के केस में ही हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं, इरेगुलर ड्रॉइंग के केस में हम एवरेज पीरियड नहीं कैलकुलेट करते बेटा। ठीक है, अब रेगुलर ड्रॉइंग के केस में हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज पार्टनर है पर मंथ 10,000 रुपीज निकालता है, तो हर महीने वो 10,000 रुपीज निकाल रहा है ना, तो जो पैसा उसने अप्रैल में निकाला होगा उस पे तो 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, देन जो पैसा उसने नेक्स्ट मंथ मई में निकालेगा उस पे 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, देन जून में निकालेगा उस पे 10 मंथ के लिए लगेगा। इस तरह से हम 12 बार थोड़े उसकी कैलकुलेशन करेंगे, आईओडी की नहीं करेंगे ना, हमारी कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास जो एक शॉर्टकट मेथड होता है दैट इज एवरेज पीरियड। तो बेटर है हम जब रेगुलरली ड्रॉइंग हो रही है तो हम उसके लिए एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। अब अगर पार्टनर रेगुलर बेसिस पे ड्रॉइंग कर रहा है तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि रेगुलर बेसिस पे वो कब ड्रॉइंग कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा हमें अगेन सेग्रीगेट करना है उसको, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी। जैसे हम अगर इसी क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, एक्स विड्रॉल रुपीज 10,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और हमें ये नहीं बोला है कि 6 मंथ के लिए निकाल रहा है या कितने मंथ के लिए निकाल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, पर मंथ लिखा हुआ है तो हम पूरे ईयर के लिए मान के चलेंगे। ठीक है, तो वो 12 मंथ तक बिगिनिंग ऑफ द मंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। अब एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। लेकिन एवरेज पीरियड के लिए हमें ध्यान देना है कि हम एवरेज पीरियड किसके लिए निकाल रहे हैं, ड्रॉइंग उसने कब की थी। अब मंथ में तो 30 डेज होते हैं ना, तो मंथ में कब की थी, मंथ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के मिड में, मिड मतलब 15th ऑफ द मंथ, या फिर मंथ के एंड में उसने निकाला है, 30th ऑफ द मंथ उसने निकाला है। रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तो हर महीने की फर्स्ट तारीख को वो निकाल लेता है, हर महीने के मिड में निकालता है या हर महीने के एंड में निकालता है, हमें उस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं सपोज वो बिगिनिंग में निकालता है, एवरी मंथ वो फर्स्ट को अपना जो विड्रॉ कर लेता है पैसा, तो उस केस में हमारे पास एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम या मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। फर्स्ट अप्रैल को निकाल लिया ना, तो कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने ना, अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं भाई। ठीक है, देन लास्ट उसने कब निकाला होगा, लास्ट उसने मार्च में निकाला होगा, मार्च की पहली तारीख को निकाला होगा। ठीक है, तो मार्च मतलब पूरा एक 1 मंथ हमारे पास है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब है 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 मंथ हमारे लिए यहाँ पे एवरेज पीरियड आ जाएगा अगर पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो उस केस में एवरेज पीरियड जो यूज किया जाएगा आईओडी कैलकुलेट करने के लिए दैट वुड बी 6.5 मंथ्स। ठीक है, अब यही चीज हम एवरेज पीरियड फॉर मिड कर लेते हैं, मिड के लिए। अब मिड के लिए अगर वो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो मिड का मतलब क्या है, मंथ की 15 को वो पैसा विड्रॉ करता है, हर महीने की 15 तारीख को पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, उसने पहली ड्रॉइंग कब की है, 15th अप्रैल को, फिर 15th मई, 15th जून, इस तरह से करके लास्ट वाली ड्रॉइंग कब करेगा, 15th मार्च को। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉइंग उसने 15th अप्रैल को की थी, 15 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स बचे हैं, 11.5 11.5 11.5 महीने बचे हैं अभी। ठीक है, प्लस लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा वो,
15th मार्च के बाद कितने मंथ्स बचेंगे? आधा महीना बचेगा भाई, 15 डेज है ना, तो 0.5 मंथ्स उसकी लास्ट ड्रॉइंग के बाद बचेंगे जब वो मिड में निकालता है पैसा, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय 2, 12 बाय 2, देन हमारे पास 6 मंथ जो होंगे वो हमारा एवरेज पीरियड माना जाएगा जब वो पार्टनर मंथ के मिड में पैसा विड्रॉ करता है तब, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम एवरेज पीरियड फॉर एंड कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के एंड में पैसा निकालता है, देन हमारा एवरेज पीरियड क्या होगा? पहली इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा, पहली ड्रॉइंग के बाद कितना टाइम बचेगा? अब उसने पहली ड्रॉइंग की होगी अप्रैल के एंड में, तो अप्रैल के बाद अभी 11 मंथ्स बचे हैं, मई जून जुलाई अगस्त अप टिल मार्च, ठीक है, तो हमारे पास 11 मंथ्स बचे हैं। और लास्ट वाली ड्रॉइंग कब करेगा वो? मार्च के एंड में। तो मार्च के एंड में, मार्च तो खत्म हो गया ना, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो फिर तो कोई भी मंथ्स नहीं बचा ना, फिर तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद, तो लास्ट ड्रॉइंग के बाद में कोई मंथ टाइम पीरियड नहीं बचा है। 0 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब है 5.5 मंथ्स हमारा यहाँ पे एवरेज पीरियड माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। हम आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम मिड के लिए। तो आईओडी जब वो बिगनिंग में करता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बिगनिंग लिख रही हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सारे केस एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको कोई एक केस मिलेगा तो उसमें आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बिगनिंग एंड और मिड कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। देन हमारे पास आईओडी क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग क्या होगी? उसने 10,000 रुपीज निकाले हैं 12 मंथ्स के लिए, तो टोटल ड्रॉइंग वुड बी 1,20,000 रुपीज, ठीक है। आईओडी कितने परसेंट का चार्ज होना है? 5% का आईओडी चार्ज होना है। और अगर वो बिगनिंग में निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड कौन सा वाला यूज होगा? 6.5, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, इस तरह से करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमारा जो आईओडी आएगा दैट वुड बी 3,250 रुपीज। आपको सिर्फ एक ही कैलकुलेशन से पता चल गया कि उसने जो पूरे साल एक रेगुलर पीरियड पे ड्रॉइंग की है उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा। आपको हर महीने के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही कैलकुलेशन से आपने बता दिया कि 3,250 रुपीज का उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर यही आईओडी उसका मिड ऑफ द मंथ में उसने किया होगा, अगर उसने ड्रॉइंग मिड ऑफ द मंथ की होगी तो आईओडी क्या लगेगा? देन अगेन हमारी जो ड्रॉइंग होगी वो तो 1,20,000 ही होगी, 5% हमारा आईओडी चार्ज होगा और एवरेज पीरियड 6 मंथ लगेगा, ठीक है। तो एवरेज पीरियड 6 मंथ के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू भी 3,000 रुपीज। अब अगर वो यही पैसा मिड ऑफ द मंथ रेगुलर बेसिस पे निकालता तो आईओडी 3,000 रुपीज का लगता है ना, जब उसने बिगनिंग में निकाला था तो एवरेज पीरियड 6.5 था और उसपे जो आईओडी लगा था 3,250 रुपीज का लगा था। वही चीज अगर वो मिड में निकाल रहा है तो उस केस में उसपे जो आईओडी चार्ज हो रहा है दैट इज 3,000 ओनली। अब एंड में भी देख लेते हैं कि अगर उसने वो पैसा एंड में विड्रॉ किया होगा तो उसपे आईओडी कितना लगेगा? देन 1,20,000 इंटू 5% इंटू, अब एवरेज पीरियड हमारा 5.5 मंथ्स था डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 2,750 रुपीज, 2,750 रुपीज का आईओडी चार्ज होगा। देखो बच्चे, आपको उसकी ड्रॉइंग क्या है, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है या इरेगुलर बेसिस पे कर रहा है, उसने सिर्फ एक बार दो बार पैसा विड्रॉ किया है या वो एवरी मंथ कर रहा है, कितने मंथ्स के लिए कर रहा है, आईओडी कितना चार्ज होगा, ठीक है, और वो बिगनिंग में कर रहा है, मिड में कर रहा है या एंड में कर रहा है, ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप
आपको सारी डिटेल वहां पे मिलेगी। और एवरेज पीरियड इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक बार आप प्रैक्टिस में आओगे आपको खुद याद हो जाएंगी ये चीजें कि जब वो बिगनिंग में निकालता है तो एवरेज पीरियड 6.5 होता है, जब वो मिड में निकालता है तो 6 होता है, और जब वो एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है तो 5.5 होता है। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली रेगुलर ड्रॉइंग जब वो मंथली बेसिस पे पार्टनर करता है तो उस पे आईओडी या एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ आया होगा। फॉर क्वार्टरली कैलकुलेशन एंड फॉर 6 मंथ्स ड्रॉइंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।